इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट बिल्कुल भी मिस ना कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो ये देखिए, ये है वो इक्वेशन। अब आप पूछोगे कि इतने बड़े इक्वेशन का यूज़ क्या होता है। तो ये जो इक्वेशन है वो इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है ना अमेजिंग। पूरे एक पेज जितनी बड़ी इक्वेशन है ये। फैक्ट नंबर 24। आपने रूबिक्स क्यूब को तो देखा ही होगा और शायद आपको वो सॉल्व करना भी आता हो। तो क्या आपने ये सोचा है कि एक रूबिक्स क्यूब कितने अलग अलग पोजिशंस में शफल या स्क्रैम्बल किया जा सकता है। तो एक बार ये नंबर देखिए, 4325200032748560000। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 43 क्विंटिलियन अलग अलग वेव्स में एक रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल किया जा सकता है। और अगर हम ऐसे क्यूब्स को एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में लगाते जाए जितनी पोजीशंस में वो शफल किया जा सकता है, तो वो 261 लाइट ईयर जितना लंबा होगा। है ना शॉकिंग फैक्ट। और इस दुनिया में ये एस्टिमेट किया गया है कि इस पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 5.8 से भी कम लोग ही रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये कमेंट कर ज़रूर बताना कि क्या आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो। फैक्ट नंबर 23। आपने ये ज़रूर सुना होगा कि मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन पॉसिबल है, लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि हमें कम से कम कितने लोग मार्स पर भेजने पड़ेंगे एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए। तो कुछ साइंस एक्सपर्ट के हिसाब से हमें कम से कम 110 लोगों को मार्स पर भेजना पड़ेगा एक ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू करने के लिए। फैक्ट नंबर 22। अगर आप कहीं पर भी किसी म्यूजियम में जाते हो तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्प्ले करी होती है वो जिस शीशे के पीछे होती है वो कोई ऑर्डिनरी शीशा नहीं, बल्कि एक स्पेशल टाइप का शीशा होता है। और ये देखिए, ये फोटो देखकर आप एक ऑर्डिनरी ग्लास और एक म्यूजियम ग्लास के बीच में फ़र्क देख सकते हो। फैक्ट नंबर 21। अगर मैं आपसे लाइफ का मतलब पूछूं तो आप क्या बोलोगे? आप कुछ ना कुछ तो बोलोगे, लेकिन फैक्ट ये है कि करेंटली मतलब अभी तक कोई भी लाइफ की डेफिनेशन साइंटिफिकली एक्सेप्ट नहीं की गई है। मतलब अभी तक कोई भी साइंटिफिकली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है लाइफ की। लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से लाइफ की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 20। ये फोटो देखिए, तो आप गेस करने की कोशिश करो कि ये किसकी फ़ोटो हो सकती है। मतलब ये जो वाइट लेयर सी है टेबल के ऊपर, ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसका नाम होता है स्पाइडर सीजन, और ये कुछ और नहीं बल्कि स्पाइडर वेब्स है ना अमेजिंग। और ये देखिए दूसरी फोटो स्पाइडर सीजन की, ये पेड़ पूरा स्पाइडर वेब से ढका हुआ है। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि नासा ने एक ऐसा परफ्यूम बनाया है जिसका नाम है इआओ डी स्पेस, और इसका मतलब है स्मेल ऑफ स्पेस। और इस परफ्यूम की जो स्मेल होगी वो वैसी ही होगी जैसी स्पेस में होती है। फैक्ट नंबर 18। आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मतलब पैसे खुशी नहीं खरीद सकता। लेकिन एक नई साइंटिफिक स्टडी ये प्रूव करती है कि पैसे हैप्पीनेस खरीद सकता है। और उस रिपोर्ट ने कई सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ये ढूंढा है कि ज़्यादा पैसे होने से एक इंसान ज़्यादा खुश होता है। लेकिन पैसे बस खुश रहने का एक टूल है, और हैप्पीनेस पैसे ना होने पर भी मिल सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपको लगता है कि आप खुश हो तो आप खुश हो, और अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो तो आप दुखी हो। फैक्ट नंबर 17। मैंने आपको रूबिक्स क्यूब के बारे में ऑलरेडी एक अमेजिंग फैक्ट बता दिया, तो ये भी जान लो कि 2010 में एक मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के ग्रुप ने ये प्रूव किया था कि चाहे एक रूबिक्स क्यूब कितना भी शफल हो, वो बस 20 मूव्स के अंदर अंदर, मतलब 20 मूव्स से भी कम मूव्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये फिगर आउट करने के लिए या ढूंढने के लिए कि वो कौन से 20 मूव्स हैं, उसके लिए एक एक्सपीरियंस इंसान को भी कम से कम 30 साल लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 16। मैथमेटिक्स में एक नंबर है ग्राहम्स नंबर, और ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और अगर वो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊँ, तो अगर हम इस ग्राहम्स नंबर के हर एक डिजिट को सबसे छोटी हैंडराइटिंग में भी लिखें तो वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फिट नहीं आ पाएगा। मतलब आप सोच ही सकते हो कि वो नंबर कितना बड़ा होगा कि उसके डिजिट्स पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में भी फिट नहीं हो पाएंगे। फैक्ट नंबर 50। आपने स्कॉर्पियन नाम के जानवर के बारे में तो सुना ही होगा, तो ये एक बहुत ही यूनिक टाइप का जानवर है,
और ऐसा इसलिए क्योंकि एक स्कॉर्पियन अपनी सांस 6 दिन तक रोक सकता है और ये ऑलमोस्ट हर तरह के सरफेस पर क्लाइंब कर सकता है या फिर चढ़ सकता है और ये अल्ट्रावायलेट लाइट में ग्लो भी करता है और इसी रीजंस की वजह से ये एक यूनिक जानवर है। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि जो हम बैटरीज यूज करते हैं उसे अगर हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, मतलब सिर्फ फ्रीजर में स्टोर करने से उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 13, आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि एक हॉर्स एक 1 माइल रेस में अपनी बॉडी वेट का 5% लूज कर सकता है, मतलब सिर्फ एक 1 माइल रेस में उसके बॉडी का 5% वेट लॉस हो जाता है और ये 19-50 kgs के बराबर हो सकता है। फैक्ट नंबर 12, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे ड्राइस्ट जगह कौन सी है तो आप बोलोगे कि कोई डेजर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है और इस दुनिया की सबसे ड्राइस्ट जगह अंटार्कटिका ड्राई वैलीज है और यहाँ पर 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई है, मतलब लास्ट टाइम यहाँ पर 2 मिलियन साल पहले बारिश हुई थी। फैक्ट नंबर 11, साइंस के अकॉर्डिंग जो लोग चीज़ें ज़्यादा भूल जाते हैं वो इंटेलिजेंट होने का एक साइन होता है, मतलब फॉरगेटफुल होना इंटेलिजेंस का एक साइन होता है, तो आप ये ज़रूर बताना कि क्या आप में ये साइन है। फैक्ट नंबर 10, किसी भी ह्यूमन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो कोई भी ऐसे कलर को इमेजिन कर ले जो उसने कभी देखा ही ना हो, मतलब आप ये अभी ही ट्राई कर देख लो। पहले आप एक ऐसा कलर को इमेजिन करो जो आपने देखा है और अब कोई ऐसा कलर जो आपने कभी देखा ही ना हो, ये किसी भी ह्यूमन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो कोई ऐसा कलर इमेजिन कर पाए जो उसने पहले कभी देखा ही ना हो। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि हमारे स्पेस का, मतलब जिस स्पेस में हमारा सूरज से भी गर्म गर्म स्टार्स होते हैं, उसका टेम्परेचर कैसा होगा, मतलब ठंडा होगा या गर्म होगा? तो आप गर्म ही बोलोगे क्योंकि हमारे स्पेस में गर्म गर्म स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है और स्पेस एक ठंडी जगह है। लेकिन आप ये सोचोगे कि आखिर वो ठंडा क्यों है जबकि वहाँ पर तो इतने गर्म ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर चाहे गर्म गर्म स्टार्स हो लेकिन कुछ ऐसा नहीं है जो उस गर्मी को अब्सॉर्ब कर पाए। फैक्ट नंबर 8, आजकल तो हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ सेकेंड में कई सारी फोटोज खींच लेते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो फोटो सबसे पहले खींची गई थी उसको खींचने में कितना टाइम लगा था? तो जो फोटो सबसे पहले ली गई थी उसको खींचने में 8 घंटे लगे थे, मतलब सिर्फ एक फोटो को खींचने में 8 घंटे लगे थे। फैक्ट नंबर 7, ये देखिए, ये एक परफेक्टली टाइम्ड फोटो जो दिखाती है कि एक बुलेट जब पानी के ड्रॉपलेट के बीच में से काटती है तो वो कैसा दिखता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, आजकल साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स अलग अलग प्लैनेट्स पर अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहे भी तो जुपिटर पर लैंड नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी भी तरह हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर जुपिटर पर पहुंच गए तब भी वहां पर हम लैंड नहीं कर पाएंगे, और ये इसलिए क्योंकि जुपिटर की डेंसिटी बहुत कम है और उसका सरफेस क्लाउड्स जैसा है जिसकी वजह से हम वहां पर लैंड ही नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 5, एक आदमी था जिसका नाम था बिल हैस्ट और इस आदमी को एक और नाम से जाना जाता था और वो है स्नेक मैन, क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को 172 अलग अलग स्नेक से कटवाया था और ये इसलिए ताकि वो उनके वेनम से अपने आप को इम्यून कर लें और फिर ये अपना ब्लड उनको डोनेट कर पाते थे जिनको किसी स्नेक ने काटा था। लेकिन मज़ेदार बात यही है कि उन्होंने 172 स्नेक बाइट्स को सर्वाइव कर लिया। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो हर 7 साल बाद चेंज हो जाता है, मतलब जो चीज़ आपको 7 साल पहले पसंद नहीं थी वो अब शायद आपको पसंद आने लगेगी क्योंकि आपके टेस्ट हर 7 साल बाद चेंज होते रहते हैं। फैक्ट नंबर 3, एक बार एक आदमी को सुसाइड करना था तो वो अपना सुसाइड लेटर लिखने लगा और अपना सुसाइड लेटर लिखने में उस इंसान ने पूरे 5 साल लिए, मतलब 5 साल तक वो अपना सुसाइड लेटर ही लिखता रहा और उस सुसाइड लेटर में 1905 पेजेस थे, मतलब 1905 पेजेस थे जिसमें उस इंसान ने ये बताया कि लाइफ कितनी मीनिंगलेस है, और 5 साल बाद जब उन्होंने पूरा लेटर लिख लिया तो फिर सुसाइड कर लिया और उस सुसाइड लेटर में पूरे 1905 पेजेस थे। फैक्ट नंबर 2, आपने मैमथ नाम के जानवर के बारे में तो सुना ही होगा जो एलिफेंट्स की तरह ऑलमोस्ट दिखते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि वो एक बहुत ही बड़े जानवर होते थे। तो ये देखिए, ये एक मैमथ का स्कल और इसे देखकर आप ये समझ ही सकते हो कि वो कितना बड़े होते थे। फैक्ट नंबर 1, तो ये फोटो देखिए, हमारी सूरज की फोटो अलग अलग वेवलेंथ में या फिर अलग अलग तरह की रेज में, पहला है इंफ्रारेड रेज,
दूसरा है अल्ट्रावायलेट और तीसरा है रेडियो और लास्ट वाला है एक्सरेज। है ना अमेजिंग।